पास्को एक्ट से पीड़ित नाबालिगों को न्याय दिलाने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पास्को न्यायालय की शुरुआत की गई है। सबसे खास बात यह है कि इस न्यायालय को पूरी तरह चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। इस बाल हितेशी न्यायालय में गवाही के लिए आने वाले बच्चों को न सिर्फ पारिवारिक हितेशी माहौल मिलेगा बल्कि वे बिना डर के बयान दे सकेंगे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के नागपुरे ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यहां बच्चे गवाही देने आएंगे तो आरोपी को भी नहीं देख सकते। बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार अथवा अन्य अपराध पर वह बिना किसी झिझक के पारिवारिक वातावरण में अपनी आप बीती परिजनों की मौजूदगी में बता सकते हैं। साथ ही दूसरी खास बात यह है कि पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया में पीड़ित बच्चे को आरोपी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि नरसिंहपुर में बनी पोस्को न्यायालय प्रदेश की दूसरी ऐसी न्यायालय है जिसे चाइल्ड फ्रेंडली होम की तरह बनाया गया है। नरसिंहपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। फ्रेंडली कोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो बच्चों की मुकदमे चल रहे हैं उनमें बच्चों को मुकदमों के दौरान उनकी गोपनीयता बनाए रखने और उनकी जो एविडेंस या जो भी साक्ष्य वगैरह जो होगी उसको जो है उनको एक गोपनीय तरीके से और उनको सुरक्षात्मक ढंग देते हुए उसको रिकॉर्ड करने का उद्देश्य है, ताकि वो बच्चा एक सुरक्षित माहौल में अपनी गवाही दे सकें, उसके मन में किसी प्रकार का भय संकोच नहीं रहे और साथ ही उसके लिए एक ऐसा वातावरण निर्माण किया गया है कि जो उसको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर एकदम वित्तवत उसके लिए माहौल तैयार किया गया है, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहेंगे और वो भी उसका गवाही के दौरान उसको अपना जो भी उसको संबल प्रदान करेंगे और हमारे साथ में न्यायाधीश जो भी हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें अभियुक्त जो है उससे उसका आमना सामना नहीं होगा सीधे प्रत्यक्ष तौर पर, और वो निर्भीक होकर और अपना जो भी गवाही है प्रकरण में उसके साथ जो घटना घटित हुई है उसको वो अपना पूरा के पूरा जो है सार बता सकेगा और उसी तरीके से उसका प्रतिपरीक्षण भी जो होगा या जो भी बचाव वकील पूछेगा तो उस समय भी उसके मन में किसी प्रकार का भय या संकोच उत्पन्न न हो, दबाव न बना सके, तो उसके लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस जो है उसका उद्देश्य जो यह है कि जो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध चल रहे हैं, घृणित केसेस चल रहे हैं बच्चों के प्रति, बच्चियों के प्रति बहुत सारे अभी इस प्रकार लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही है, तो उनको गवाही देने के दौरान जो भय संकोच जो होता है, दबाव जो रहता है, उससे उनको मुक्ति मिल सके, एक अच्छे वातावरण में वो अपना मुकदमे के लिए अपनी गवाही दे सके, अपना मुकदमा सही तरीके से उसको कर सके और न्यायाधीश लोगों को भी पूरी तरीके से गोपनीयता रखते हुए उनकी पहचान को छिपाते हुए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हैं कि उनकी पहचान बनी रहे, पहचान की गोपनीयता बने रहे, किसी को पता नहीं चले, का नाम उजागर ना हो, ये सब चीज़ें पे उद्देश्य ही है। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों के प्रति इस समय अपराध बढ़ रहे हैं, उनके माता पिता को कैसे अपराध जो हैं वो ना बढ़ें? देखिए, ये जो है ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा ज़्यादा है। इसका जो मेन उद्देश्य जो है, अपराध तो बढ़ ही रहे हैं लेकिन अपराध की रोकथाम करने के लिए जो है पुलिस तो है ही, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन साथ में जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स के साथ साथ में जो घर के परिवार का जो वातावरण है उस वातावरण को भी उनको ध्यान देना जरूरी हो गया, पेरेंट्स को भी, क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया कि बच्चों के प्रति अपराध जो होते हैं उसमें पास पड़ोसी या रिश्तेदार, ये देखने में आया अधिकांशतः मामलों में यही होता है। बहुत कम ऐसा रहता है कि जो अपरिचित टाइप के लोग रहें, जो कम से कम जो बच्चों को अपने सुरक्षित माहौल घर से ही मिल सकता है, उनके इस पर देख रेख करें, आने जाने की निगरानी बनाए रखें, उनको स्कूल जाना है, कहीं जाना है, उनके साथ में कम से कम इतना यदि कोई वो रखते हैं तो उससे कम से कम, और सामाजिक तौर पर तो जो है ही, लेकिन अब पुलिस और प्रशासन का जो है वो तो अपना कर ही रही है काम, लेकिन हर जगह मौजूद होना भी संभव नहीं रहता है, तो शुरुआत तो जो है घर के पेरेंट्स लोगों को करना पड़ेगी, उनके पेरेंट्स हैं, उनके परिवार रिश्तेदार वगैरह, कि बच्चों को किस प्रकार से, स्कूलों में है तो स्कूलों में भी स्कूल वाले जो हैं, कॉलेजों में, स्कूल में, वो लोग भी अपने यहाँ ऐसा वातावरण तैयार करें स्कूल कॉलेज वाले कि वहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से इस प्रकार की शिक्षा दे।